हिमाचल में बर्फबारी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने बाहरी राज्यों से कई पर्यटक आते हैं, पर इसका एक पहलू ये भी है कि हिमाचल में रहने वाले लोगों के लिए बर्फबारी आफत लेकर भी आती है। अगर आपने एक या दो दिन बर्फबारी में आकर लुत्फ उठाना हो तो वो ठीक है, मगर बर्फबारी में रहना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। हिमाचल में बर्फबारी के चलते 36 लिंक रोड और 3 नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं। वहीं एक ट्रांसफार्मर और 2 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार लाहौल स्पीति में सबसे अधिक 3 संपर्क मार्ग बंद हैं। इनमें 24 सब डिवीज़न लाहौल और 6 सब डिवीज़न उदयपुर में ठप पड़े हैं। इसके अलावा ग्राम्फू से लोसर तक नेशनल हाईवे 505 और दारचा से सरचू तक नेशनल हाईवे 3 बंद पड़ा है। कुल्लू में 5 संपर्क मार्ग और 1 नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। निरमंड सब डिवीज़न में 3 और बंजार में 2 लिंक रोड बंद पड़े हैं। नेशनल हाईवे 5 भी बर्फबारी के चलते बंद पड़ा है। चंबा के पांगी सब डिवीज़न में 1 संपर्क मार्ग बंद है। किन्नौर के कल्पा में 1 ट्रांसफार्मर और लाहौल स्पीति के उदयपुर में 2 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। बर्फबारी के चलते हिमाचल में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम हो गया है। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।